हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो क्लास 12 की बायोलॉजी का आज हम लास्ट टॉपिक लेके आए हैं यहाँ पर, सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स एंड एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करी थी, तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है और एपोमिक्सिस क्या होती है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें जो गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, तो वाइबल गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूजन है वो नहीं हो पाता है और वो क्या नहीं कर पाते बेटा, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, कहने का मतलब है इसके अंदर होता क्या है कि ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बात की, वैसे से वैसा ही है हमारा लगभग, हमारा ये वैसे कर वो बेटा है ही हमारा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है, यानी कि अगर अपना सेम प्लांट है और एक ही प्लांट पर दो, एक ही फ्लावर है, उसे फ्लावर के अंदर क्या है पोलन ग्रेन ही प्रेजेंट है और क्या है आपका जो आपका ओवरी प्रेजेंट पर के ऊपर स्टिग्मा है, तो सेम फ्लावर के या सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं बेटा वो क्या है ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, मेरे बेटा ठीक है, ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वही जो कंडीशन कहलाती है वही कहलाती है सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी और या फिर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहलाती है, ताकि वो बढ़ावा दे सके किसको, क्रॉस ब्रीडिंग को या क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन से क्या होता है बेटा, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन आती है प्लांट के जो सर्वाइवल के चांसेस वो बढ़ जाते हैं, नए करेक्टर के प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इसीलिए क्या है वो सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी प्लांट्स के अंदर देखी गई है। ठीक है बेटा, तो दो प्रकार की होती है बेटा आपकी, एक होती है इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। दो प्रकार की आपकी क्या होती है सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटी है उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, ताकि गलत जो जो स्पीसीज है, डिफरेंट जो स्पीसीज है किसकी, दूसरे प्लांट की, उसका जो पोलन ग्रेन है बेटा वो स्टिग्मा के ऊपर ग्रो ना कर पाए। ठीक है, वो फर्टिलाइज ना कर पाए एग को। ठीक है, इस तरह की जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो कहलाती है इंटर स्पेसिफिक। और इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है, विद इन अ स्पीसीज, ठीक है, विद इन अ स्पीसीज की बात करें, सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है बेटा ग्रो नहीं कर पाते हैं स्टिग्मा के ऊपर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा ये, तो ताकि क्या है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस कर पाए ड्यूरिंग सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या है प्रोड्यूस नहीं करता है प्लांट, जिसके चलते क्या होती है वहां पर क्या है पोलन ग्रेन्स का जो, अगर हम बात करें अगर स्टिग्मा पर प्रेजेंट होती है तो सेम प्लांट की और तो वो सेम स्पीशीज की और उनके जेनेटिक मेकअप सेम है, ऐसे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या क्या ग्रो नहीं करेंगे बेटा वहाँ पर। तो ये कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, बात क्लियर बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक में क्या हो गया, डिफरेंट स्पीसीज होते हैं इनके आपस में क्या है पोलन ग्रेन्स, आपस में क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। अब ऐसा होता क्यों है बेटा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स क्या करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, अगर वो सेम पेरेंट का हुआ तो सेम के जो कुछ जीन्स होते हैं जो लोकस में प्रेजेंट होते हैं वो पोलन ग्रेन्स के अंदर मिलेंगे और स्टिग्मा के अंदर मिलेंगे।
इसलिए क्या वो क्या पोलेंड्रेस वहाँ पर क्या ग्रो नहीं कर पाती। असल में जो स्टिग्मा है वो ग्रो करने ही नहीं देगा उसको, इसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, उस पोलेंड्रेन को क्या खत्म कर देगा। अगर फिर भी ग्रो कर चुकी है पोलन ट्यूब, तो भी क्या है उस पोलन ट्यूब को क्या है थ्रू जो स्टाइल वाला रीजन है उस दौरान क्या है थ्रू आरएनएज एस आरएनएज के एक्टिविटी के थ्रू क्या है वो उसको पोलन ट्यूब को रप्चर कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा यही था कि अगर सेल्फ जेनेटिक मेकअप उनका सेम है तो क्या है वो पोलन क्या है ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, ये एक तरह का मैकेनिज्म है इन ब्रीडिंग को, यानी कि सेम स्पीसीज के अंदर क्या है आपस में ब्रीडिंग करने का तरीका है, मैकेनिज्म है इसको खत्म करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, और आउट ब्रीडिंग को बढ़ावा यानी कि क्रॉस जो पोलिनेशन की बात हो रही है उसको बढ़ावा देने का काम करता है सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी वाला जो मेथड है। ठीक है, जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये हमें क्या है 66 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द क्यूबिन एंड डिकिंसन 1997 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है जो 66 फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म्स की अंदर है उसके अंदर हमें क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कितने प्रकार की हो सकती है, क्या मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकती है और क्या हो सकती है फिजियोलॉजिकल रीजंस के द्वारा भी कारण भी हो सकती है। जो यानी कि मॉर्फोलॉजिकल की बात करें स्टिग्मा की जो मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, स्टिग्मा के जो पार्ट्स हैं जो इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं उनके अंदर, और दूसरे फिजियोलॉजिकल इंटरनल क्या है वो रीजन भी क्या इसके अंदर हो सकते हैं। इन दो कारणों के अंदर के कारणों के कारण उनके अंदर क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है इन 66 फैमिलीज के अंदर। ठीक है, बाहरी तौर से अगर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होगा और इंटरनली बात करें फिजियोलॉजिकली बात करें स्टिग्मा के अंदर का स्ट्रक्चर है, स्टाइल के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या किस तरह के जो क्या केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो रिलीज होते हैं सिक्रेट होते हैं जो सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स को क्या है ग्रो नहीं करने देते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। इसमें क्या देखने को मिलता है दो से तीन डिफरेंट मेटिंग टाइप्स में क्या देखने को मिलते हैं मोर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर। ठीक है, जैसे कि डाईस्टाइली हमें देखने को मिलता है, ट्राईस्टाइली हमें देखने को मिलता है, लेकिन डाईस्टाइली बाइबुला के अंदर हमें देखने को मिलता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा क्या होता है, और ट्राईस्टाइली क्या हमें देखने को मिलती है लिथरम के अंदर। ठीक है, इन लिथरम के अंदर क्लियर है। डाईस्टाइली का मतलब है दो प्रकार की स्टाइल होंगी यहाँ पर हमारी, छोटी बड़ी स्टाइल, और ट्राई स्टाइली में क्या तीन प्रकार की स्टाइल होंगी छोटी मीडियम साइज और लार्ज साइज। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपने अगर ये हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हो कि डाई स्टाइली क्या होता है ट्राई स्टाइली क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया प्राइमुला एंड ट्राई स्टाइली का एग्जाम्पल होगा लिथरम। ठीक है, तो हम बात करें फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी की बात करें बेटा यहाँ पर कोई हमें मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन में हमें देखने को नहीं मिलता है डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के अंदर। ठीक है, मगर मगर क्या होता है जो इंटरनली क्या है हमें इसके अंदर कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसके बेस के ऊपर हम अगर बात करें फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी दो प्रकार की होती है हमारी, पहली हमारी गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, दूसरे हमारे पास क्या है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है हमारे दो प्रकार की होगी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इसके अंदर क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स होती हैं इनके जो जीनोटाइप क्या क्या होता है इनमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे क्या सेम होते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो पोलन ग्रेन वहाँ पर क्या जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप मिला आपका किसका बेटा आपका जो सिग्मा के ऊपर है यानी कि और क्या पोलन ग्रेन के ऊपर, तो वो पोलन ग्रेन वहां पर ग्रो नहीं करेगी, डेवलप नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो इनकम्पेटेबिलिटी है हमें देखने को मिलती है लिलेशिया के अंदर, सोलनेशिया के अंदर एंड पोएसिया के अंदर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो प्रिवेंट करता है इस तरह के पोलन ग्रेमिनेशन को क्यों कैसे करके, उसके पोलन जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, पोलन ट्यूब को खत्म कर देता है, और फेलियर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, असल में क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन तक बात पहुंचते ही नहीं है बट उससे पहले ही हमारे क्या पोलन ट्यूब को खत्म कर दिया जाता है इन द स्टाइल, क्लियर है, खत्म हो जाती है इन चांस। अगर फिर भी अगर नहीं होती है तो आपका लोअर जो पार्ट्स होते हैं कि आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के वहां पर क्या है पोलन ट्यूब को डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सम केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है बेटा।
तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक लेवल पर बात करें, जेनेटिकली अगर बात करें तो जीनो टाइप क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का अगर सेम होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी अगर इसमें अगर जो जीनो टाइप है आपका पोलन ग्रेन का अलग होता है, तो पोलन ग्रेन आपकी ग्रो कर सकती है। हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी की बात करें, जो ऐसी इनकम्पेटेबिलिटी है ड्यू टू द जीनो टाइप ऑफ स्पोरोफिटिक और स्टेगमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये जो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है ये स्टिग्मेटिक टिश्यू के कारण है, और वहाँ पर हमारा क्या पोलन ग्रेन्स के जो आपके जो जेनेटिक मेकअप होता है उसके बेस पे हमारा हो रहा था गेमेटोफिटिक के अंदर, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी के अंदर। और यहाँ पर हमारा क्या स्टिग्मेटिक टिश्यू के कारण है स्पोरोफिटिक जो आपका है जीनोटाइप होता है उसका आपका स्टिग्मा का, तो उसके बेस पे क्या है पोलन ग्रेन्स को अलाउ किया जाता है आप ग्रो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की जो आपके स्टिग्मेटिक जो आपके जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है आपको एस्ट्रेसियाई और ब्रैसिकेसिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा, आगे हम फिगर में बात करेंगे स्पोरोफिटिक में और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखें तो ये जो जेनेटिक बेसिस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये किसने प्रपोज किया था बेटा, ईस्ट एंड मेंगलसॉफ्ट ने 1925 के अंदर क्या प्रपोज किया था, इन द फॉर्म ऑफ मल्टी एलिक सिंगल जीन एस जीन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो लोकस जो सिंगल लोकस है उसको एस जो जीन है ये कंट्रोल कर रहा है इन सारी जितने भी कहानी है हमारी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक की, ठीक है। अगर सिंगल लोकस पर जो पोलन ग्रेन्स है अगर सेम आपका पेरेंट के हैं पोलन ग्रेन्स, और जो आपका स्टिग्मा भी आपका एक ही पेरेंट से आपकी आ रही है, तो उनके अंदर जो एस जीन के आपके दोनों के कॉमन मिलेंगे, जिसके कारण क्या है वो कॉमन होने के कारण क्या है पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा होता है पोलन ग्रेन का ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इट कंटेन्स ओवर 30 एलील्स इन ब्रासिका ओलोरेसियाई, ठीक है। ब्रासिका ओलोरेसियाई के अंदर क्या 30 प्रकार के इस तरह के जीन एस जीन पाए गए हैं, ठीक है बेटा। 30 टाइप्स ऑफ एलील्स इन ब्रासिका ओलोरेसियाई, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कंटेन ए सिंगल एलील व्हाइल द स्टिग्मा हैज टू एलील, तो पोलन ग्रेन्स के पास सिंगल एलील है बेटा एस जीन का, ठीक है, मगर स्टिग्मा के पास क्या है दो एलील होते हैं इस चीज के लिए। अगर पोलन ग्रेन के पास अगर S1 एलील है और वो सिमिलर टू एनी वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ फीमेल पेरेंट से S1 और S4, तो वहां पर क्या है पोलन ग्रेन क्या है आपकी क्या है ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि आपका S1 जो एलील है उससे एक S1 एलील से क्या है मैच करता है, ठीक है। ये स्पोरोफिटिक सेल इनकम्पेटेबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो क्या है पोलन ग्रेन वहां पर क्या है ग्रो नहीं करेगी। बट इन द केस ऑफ गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी वहां पर क्या है आपके पोलन ग्रेन क्या है ग्रो कर जाती है, ये हमारा डिफरेंस है दोनों के बीच में। वहां पर क्या होता है आपका जो हैप्लॉइड जो कंडीशन है एस जीन की वहां पर हो गया वो कंडीशन काम करती है, जिसके कारण क्या है वो जो अगर एक भी अगर पर डिफरेंट हुआ हैप्लॉइड जो पोलन ग्रेन्स की बात करिए अगर एक में S1 है और एक में S2 है, ठीक है, तो सेम पेरेंट के होंगे दोनों, तो क्या बेटा वहां पर क्या एक ग्रो कर जाएगा S2 वाला, बोलो अगर स्टिग्मा के बाद अगर बात करें फीमेल तो जो स्टिग्मा है यानी उसके ऊपर S1 और S3 है और पोलन ग्रेन से S1 और S2 है, तो इस कंडीशन में S2 पोलन ग्रेन क्या ग्रो कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्या है वो आपका जो एलील है S2 वाला वो क्या है आपका प्रेजेंट नहीं है इन द के इसके पास बेटा स्टिग्मा के पास, क्योंकि S1 और S3 है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसके कारण वो S2 के वहाँ पर पोलन ग्रेन ग्रो कर जाती है, ठीक है बेटा। ये तो आपको गैमेटोफिटिक के अंदर हम बात करेंगे बेटा फिगर की मदद से, तो पहले वाला आपको दिखा रखा है बेटा ये स्पोरोफिटिक के सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का फिगर है, सेकेंड वाली आपको क्या है गैमेटोफिटिक के सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की फिगर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई पोलन ग्रेन्स हैं इनके पास क्या है हैप्लॉइड कंडीशन है, तो एक के पास S1 है और एक के पास क्या है S2 है, ठीक है। सेम स्टिग्मा की बात करें वहां पे क्या S1 और S2 है, तो इस तरह की जो आपकी जो पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या आपकी क्या है आपकी ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दे रिप्रेजेंट द सेम पेरेंट, जो पोलन ग्रेन्स क्या सेम पेरेंट को इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पर क्या होती है स्टिग्मा के ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स होती हैं, वो रिसेप्टर साइट्स क्या करती है आइडेंटिफाई करती हैं वेदर द पोलन ग्रेन्स आर ऑफ सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट, अगर वो सेम पेरेंट से हैं तो पोलन ग्रेन वहां पर क्या है ग्रो नहीं करेगी, ठीक है।
और यहाँ पर सेकंड केस में हम देखोगे यहाँ पर क्या S1 S2 पोलन ग्रेन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर क्या S1 और S3 के आपका एलील्स प्रेजेंट है, वहां पर क्या S1 और S2 एलील प्रेजेंट है किन के अंदर, आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर। इस केस के अंदर भी क्या है, S1 आपकी तो मिल्ट मैच करती है, अगर इनमें से कोई भी ठीक है S1 और S2 मैच कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या S1 मैच कर रही है जिसके कारण भी क्या है आपके S2 ग्रो नहीं करेगी, ठीक है S2 ग्रो नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है आइडेंटिफाई कर चुका है कि ये क्या सेम पेरेंट से ही पोलन ग्रेन्स क्या आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपके S1 और S2 एलील पोलन ग्रेन्स के और स्टिग्मा के एलील सब का डिफरेंट हो, तभी क्या है दोनों पोलन ग्रेन्स के आपस में ग्रो कर सकते हैं, उनके क्या पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है डिप्लॉयड कंडीशन होगी यहाँ पर, क्योंकि S3 और S4 दोनों ही क्या है यहाँ पर अलग हैं, एलील्स इन द केस ऑफ स्टिग्मा और इन द केस ऑफ पोलन ग्रेन्स दोनों ही एलील के अलग हैं, तो उस कंडीशन में क्या है पोलन ग्रेन्स की क्या ग्रोथ होगी ऑन द स्टिग्मा, वरना नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई भी दोनों ही कहने वाला दोनों ही क्या होंगे आपके अलग होने चाहिए तब जाकर क्या ग्रोथ होगी। देन द केस ऑफ गैमेटोफाइट की बात करें, गैमेटोफिटिक सेल्फ कंपेटिबिलिटी की बात करें, तो पहला केस आपका सेम ही है, दोनों दोनों के पास क्या सेल्फ जैसे एलील है तो क्या है पोलन ग्रेन्स क्या ग्रो नहीं करेंगी। मगर इन द केस ऑफ सेकेंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या एक एलील क्या अलग है आपका, और वो एलील के क्या है जो वो पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या एलील अलग है S2 एलील है उसके केस के अंदर क्या आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। क्लियर बेटा यहाँ तक ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या आपके दोनों ही एलील क्या है S3 S4 स्टिग्मा के पास और S1 S2 के पास है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या दोनों ही पोलन ग्रेन क्या है पोलन ग्रेन्स की क्या आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या था अगर बात करें सेकंड केस, डिफरेंस हमारा कहाँ पर आया, सेकंड केस में यहाँ पर क्या पोलन ग्रेन आपके क्या ग्रो नहीं कर पाए और यहाँ पर क्या पोलन ग्रेन ग्रो कर गई, ठीक है। स्पोरोफिटिक में क्या देखने को मिला था कि इसमें जो कंट्रोल कर रहा है S1 क्या करता है, बट S1 क्या करता है S1 से क्या है दो तरह की यहाँ पर अगर अगर आपको केमिकली बात करें तो S1 अगर स्टिग्मेटिक की जो होती है इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है आपका रिसेप्टर आपके प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है साइटोसिन बेस लिपो बेस अपने प्रोटीन्स होती हैं जो दोनों ही तरह के जो पोलन ग्रेन्स होंगे S1 और S2 दोनों तरह के क्या है यहाँ पर प्रोटीन आपको देखने को मिली इस केस में, जिसके कारण क्या है वो S2 को भी क्या है ग्रो नहीं होने देता है, मगर इस केस में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ गैमेटोफिटिक है। अगर ये हैप्लॉयड कंडीशंस की बात करें तो हैप्लॉयड जो पोलन ग्रेन्स होती है दोनों के पास क्या है अलग अलग क्या है आपको देखने को मिलेगा एलील्स, और यहाँ पर क्या एलील्स में डिफरेंस देखने को मिलता है इसके कारण क्या है S2 टाइप ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या कर जाती है बेटा ग्रो कर जाती है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की या सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या करती है सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है इसको क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है बेटा, ठीक है। जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है जो प्लांट को आउट ब्रीड करने में मदद करती है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या करती है मदद करती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटब्रीडिंग क्या करती है प्लांट की जो विगर है और वर्टिलिटी है उसको उसके रेस की इसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है विगर वर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, तो वेरिएशन आती है, वेरिएशन आएगी तो बेटा क्या होगा एडेप्टेशन आएंगे, एडेप्टेशन आएंगे तो क्या है चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर क्या अपने आप को प्लांट क्या सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें ये एक तरह डिफेक्ट है, ये डज नॉट अलाउ रेजिंग ऑफ प्योर लाइन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या करती है एक तरह का डिफेक्ट का काम करती है कि ये प्योर लाइन्स अगर आपको प्लांट ग्रो करने हैं जिनके अंदर क्या है जो जीन्स की जो प्योरिटी है बनी रहे तो वो चीज़ क्या है ये उसके लिए बड़ी दुविधा है, उस चीज़ को ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होने देती है, ठीक है। ये प्योर लाइन्स को ग्रो नहीं होने देगी, इसके अंदर लगातार क्या है वेरिएशन आते रहेंगे, ये क्या इंपॉर्टेंस आपको किसकी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अब हम बात करें बेटा कि एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे, एपो जो मिक्सिस है बेटा एपोमिक्सिस का मतलब एपो मतलब अवे और मिक्सिस मतलब है मिक्सिंग, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है यहाँ पर
सीड का डेवलपमेंट होगा इन द केस ऑफ एपोमिक्सिस, जो सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एपोमिक्स एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मिमिक करती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, और एपो वहां पर जो सीड का फॉर्मेशन होगा वहां पर होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या सीड का जो डेवलपमेंट है फॉर्मेशन होगा बेटा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, कहने मतलब सीड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रहा है और वहां पर भी हो रहा है, इसीलिए एपोमिक्सिस क्या करती है, रिजेंबल करती है किससे, सेक्सुअल रिपोर्शन से। मगर इससे फर्क क्या है बेटा, यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेटिक फ्यूजन के क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है, क्लियर है, ये कहलाती है एपोमिक्सिस, ठीक है, क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसिया एंड ग्रासिस, ठीक है, एस्टेरे कुछ जो स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसिया और ग्रासिस के अंदर क्या हमें ये एपोमिक्सिस हमें देखने को मिलती है। डिफरेंट मेथड होते हैं आपके एपोमिक्टिक डेवलपमेंट इन सीड्स, काफी सारे मेथड है, उसका हम बार बार डिस्कस करेंगे, और सबसे जो कॉमन हमारा कॉन्सेप्ट है रिकरेंट एगेमोस्पर्म की है और एडवेंटिव एम्ब्रियो एम्ब्रियोनी है, ठीक है। तो सबसे कॉमन हमारा कौन सा है, रिकरेंट है और हमारा एडवेंटिव है। थोड़ी हिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो एपोमिक्सिस का जो फिनोमिना है, सबसे पहले जो विंकलर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना साथ में, विंकलर थे उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है, इन ब्रासिका ओलरेसिया, जब हम प्लांट के बारे में डिस्कस कर चुके पीछे हम, ब्रासिका ओलरेसिया के उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने विंकलर ने क्या किया, एपोमिक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में और दूसरा कर दिया किसके अंदर कर रहा, एगेमोस्पर्मी, दूसरा किस में कर दिया, एगेमोस्पर्मी के अंदर क्या कर दिया उसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके फर्स्ट चैप्टर में, कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ अगर ऐसे डेवलप करते हैं तो ये भी क्या है, बिना एक तरह की एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगी हमारी। और ये एगेमोस्पर्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मियोसिस नहीं होती हुआ, ठीक है, और ना ही कोई गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एगेमोस्पर्म में क्या होती है, ना यहाँ पर क्या है गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना यहाँ पर क्या होगा कोई मियोसिस होगी, और डायरेक्टली क्या है सीड का फॉर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम आपका एम्ब्रियो सेक्स या किसी एग से, वो कहलाती है एगेमोस्पर्मी, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो एगेमोस्पर्मी मतलब है कोई स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर क्या सीड का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है एगेमोस्पर्मी। तो ये विंकलर ने किया था, और एक हमारे पी महेश्वरी हैं उन्होंने भी क्या है क्लासिफाई किया था एपोमिक्सिस को, पी महेश्वरी, पी महेश्वरी ने भी क्लासिफाई किया था इनको, फर्दर तीन टाइप से बेटा, तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, पहला कर दिया रिकरेंट में, दूसरा कर दिया किसके अंदर, आपका जो एडवेंटिव जो एम्ब्रियो नहीं है मैं मेंशन कर रखा है, रिकरेंट हो गया, एडवेंटिव हो गया, और एक लास्ट में हो गया बड़ा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। पहला कौन सा हो गया बेटा, पी महेश्वरी ने एपोमिक्सिस को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सा बेटा हमारा, एक तो हमारा था रिकरेंट वाला, एक था हमारा एडवेंटिव वाला, और तीसरा हमारा क्या है नॉन रिकरेंट, ठीक है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो पी महेश्वरी ने क्या इनको क्या एपोमिक्सिस को तीन सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड नॉन रिकरेंट क्या होता है एम्ब्रियोनी, ठीक है, या एपोमिक्सिस। अब बात करें तो रिकरेंट की बात करें तो रिकरेंट में क्या होता है एपोमिक्सिस में, यहाँ पर एग का जो फॉर्मेशन होता है, जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसे डिप्लॉयड पार्ट, कोई मतलब एम्ब्रियो सैक के किसी भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या उसका डेवलपमेंट होगा एग का, सॉरी एम्ब्रियो का, वो तो न्यूक्लियस हो सकता है आपका, ठीक है, अगर आपको याद हो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, आपको याद होगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, कुछ इस तरीके से था, ठीक है, कुछ इस तरीके का ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर क्या एम्ब्रियो सेक था।
कहने का मतलब है यहाँ पर जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो डिप्लॉयड पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के किसी भी डिप्लॉयड पार्ट से, एम्ब्रियो सैक के किसी भी डिप्लॉयड पार्ट से या ओव्यूल जो है ओव्यूल के किसी भी पार्ट से क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हमें रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। कौन सी कहते हैं? रिकरेंट एगेमोस्पर्मी कह रहे हैं। क्लियर है? कोई भी डिप्लॉयड पार्ट हो सकता है, आपका न्यूक्लियस है उससे भी क्या है आपका क्या हो सकता है बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। आपका जो जो एम्ब्रियो सैक है उससे भी क्या हो सकता है आपका जो एम्ब्रियो है उसका विकास हो सकता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से भी हो सकता है क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है। मेगा मदर स्पोर सेल, अगर मेगा मदर स्पोर सेल क्या है, अगर वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं करती है, उसके अंदर म्यूसिस नहीं होती है, वो डिप्लॉयड है, वो डायरेक्टली भी क्या है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है, तो उस केस में भी जो आपका सीड का फॉर्मेशन होगा और वो भी डिप्लॉयड होगा। तो इस तरह की जो आपकी एपोमिक्सिस है वो कहलाती है आपकी डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाती है? डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? अब ये जो देखने को मिलती है आपको पार्थिनियम एंड ड्रुवस के अंदर, कहाँ देखने को मिलेगी? पार्थिनियम एंड, एग्जाम्पल इसके लिए हमारे कौन से हैं रिकरेंट के लिए? पार्थिनियम एंड रूबस। और ये भी हमारे दो प्रकार के बेटा, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। रिकरेंट एपोमिक्सिस को फर्दर हम दो सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हो गए आपके? एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बेटा आपका किससे होगा? वो न्यूक्लियस से होगा। किससे होगा? एपोस्पोरी। मेरी स्लाइड्स में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है बेटा, तो साथ साथ ध्यान से सुनना और नोट डाउन करते रहना। ठीक है, जो आपका रिकरेंट है, जो एपोमिक्सिस को फर्दर क्या है दो सब टाइप में डिवाइड कर दिया, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, एपोस्पोरी में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है बेटा? वो होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का अगर प्लॉइड लेवल देखें तो वो भी 2n होता है। ठीक है, और दूसरा डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, फ्रॉम जो आपका मेगास्पोर मदर सेल होता है उससे क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक, डिप्लोस्पोरी के अंदर, वो डिप्लोस्पोरी कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया आपका रिकरेंट के बारे में। आगे हम बात करेंगे एडवेंटिक के बारे में बात करेंगे, आगे स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, रिकरेंट दोबारा से अगर हमारा आ चुका है जो मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रिकरेंट में क्या होता है, जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओव्यूल होता है, इसके अंदर किसी भी पार्ट से क्या होगा ओव्यूल डिप्लॉयड पार्ट से क्या होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल हो, चाहे वो क्या है क्या एम्ब्रियो सेक से ही क्यों ना हो। ठीक है, डिप्लॉयड पार्ट से होगा तो वो कहलाता है आपका आपका रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। तो दो पार्ट से डिवाइड कर दिया था बेटा मैंने, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। ठीक है, तो इसमें वही बात लिखी होगा विदाउट एगेमोस्पर्मी क्या कहलाती है, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी क्या कहते हैं, विदाउट मैरिज और ठीक है स्पर्मा मतलब सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहते हैं आपका एगेमोस्पर्मी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड दैट हैज एन एम्ब्रियो फॉर्म विदाउट म्यूसिस एंड सिंगामी। ठीक है, कोई म्यूसिस नहीं और कोई क्या है गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, और बिना इनके फ्यूजन के जो सीड का डेवलपमेंट हुआ वही कहलाता है आपका एगेमोस्पर्मी। ठीक है, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट है आपकी, और इन नॉन रिकरेंट की बात करें एगेमोस्पर्मी के अंदर बात करें, एम्ब्रियो क्या होता है बेटा हैप्लॉइड होता है, इसके अंदर क्या होता है एम्ब्रियो क्या होता है हैप्लॉइड होता है, और जो सीड क्या होगा आपका नॉन वायबल होगा। नॉन वायबल का मतलब भाई ये सीड क्या फर्दर क्या है जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इन नॉन करंट में क्या होगा आपका जो सीड है वो नॉन वायबल होता है, वो क्या जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई डिप्लॉयड जो मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है थ्रू म्योसिस एक मेगास्पोर बनाएगी। अब वो जो मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड होता है बेटा आपका। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर है वो एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, अब वहां से क्या होगा जो एग है जो एम्ब्रियो सेल के अंदर जो एग बना था वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के क्या है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए एम्ब्रियो यहाँ पर क्या होता है हैप्लॉइड होता है। क्लियर है बेटा, यानी कि जो मेगा स्पोरेंजियम है मेगास्पोर मदर सेल था डिप्लॉइड था, उसके अंदर म्यूसिस हुई, म्यूसिस होने के कारण वहां पर क्या बना मेगा मेगा आपका जो एम्ब्रियो सैक बना मेगास्पोर बना, और मेगास्पोर हैप्लॉइड है और वो मेगास्पोर क्या करता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक कैसे क्या है अंदर जो एग प्रेजेंट है
उस एग के अंदर क्या है, वो एग क्या करेगा, वो एग फर्दर डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। तो वो एम्ब्रियो कैसा होगा, क्योंकि मेगास्पोर जो सेल था वो हमारा जो एम्ब्रियो था, तो एग था हमारा किसका, हैप्लॉइड था, फ्यूजन तो हुई नहीं वहां पर। तो हैप्लॉइड जो एग था वो डेवलप कर गया किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो कैसा हुआ आपका, हैप्लॉइड हुआ। क्लियर है बेटा, ये इसे कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, जो आपका हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो सैक बनाए ने नॉन रिकरेंट के अंदर, इसे कहते हैं हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इसके अलावा नॉन रिकरेंट के अंदर दूसरे जो पार्ट हैं आपके, जैसे कि सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, इनके से भी क्या है, पर हो सकता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एग से क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो तो हमारी बात होगी। एग के अलावा तो दूसरे जो पार्ट्स हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, जैसे कि सिनर्जिड हैं और क्या है आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, सारे सारे हैप्लॉइड होते हैं बेटा ये, इनसे भी क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। और इस तरह की जो आपकी जो क्या कहलाएगी आपकी हैप्लॉइड, आपकी क्या कहलाएगी, एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, हैप्लॉइड एपोगेमी कहलाएगी। तो ये मैं किसके अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है फेजिलस नॉन नॉन रिकरेंट की बात करूं बेटा, किसके अंदर देखने को मिलता है, फेजियोलस, फेजियोलस वुलगैरिस, फेजियोलस वुलगैरिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉन रिकरेंट। भाई एग्जांपल इसके अंदर लिखे नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लेना, फेजियोलस वुलगैरिस और एलियम ओडेरम, ठीक है, एलियम ओडेरम प्याज की एक स्पीसीज है, उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये नॉन रिकरेंट टाइप, एलियम, एलियम ओडेरम, ठीक है, एलियम ओडेरम, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्स सबको देखने को मिलती है, ठीक है। तो रिकरेंट की बात करें, रिकरेंट की, रिकरेंट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सेट से डिप्लॉयड होता है, उससे डायरेक्टली हो सकता है, और न्यूसेलर सेल से भी हो सकता है, इसमें एपोस्पोरे कहा था हमने, और डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से भी उसको कह रहा हूँ, डिप्लोस्पोरे कहा था हमने, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, पार्थेनियम है, और क्या था आपका, पार्थेनियम के अलावा आपका कौन सा था बेटा, रूबस आपका एग्जाम्पल था किसके, इन द केस ऑफ डिप्लोस्पोरी। क्लियर है, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, इसको डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, रूबस एग्जाम्पल है, एप्पल एग्जाम्पल और पोवा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिप्लोस्पोरी। इसके अलावा हमारा क्या है, पार्थेनियम भी हमारे एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, और स्पोरोफिटिक बडिंग की बात करते हैं, इसमें होता क्या है बेटा, जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो न्यूसलस से होता है, ठीक है, या फिर इंटेग्यूमेंट होता है उनसे होता है, तो वो आपके डिप्लॉयड होते हैं वहाँ भी, उस केस के अंदर भी क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं। इसमें होता क्या है, न्यूसलस जो होता है, जो आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या ग्रो कर जाता है, और उस पार्ट से क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है स्पोरोफिटिक बडिंग। तो एम्ब्रियो जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या कहते हैं, ज्यादा ग्रोथ होगी इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसा है, और उस पार्ट से क्या है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और उसके अलावा जो एग था उससे भी क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन साइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक के अंदर काफी सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और इस तरह की जो कंडीशन कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं बेटा, पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। तो एडवेंटिव इम्ब्रियोनी को बात करें तो फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे तीन टाइप्स में। पहली आपकी है सिंपल पॉली इम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली इम्ब्रियोनी में क्या होता है, एक से ज्यादा एग सेल होंगे। एडवेंटिव इम्ब्रियोनी की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स। एग के थ्रू तो आपका मेन तो एग है ही हमारा, एग से तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अलावा जो न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स हैं इनसे भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है साथ के साथ। एग के द्वारा जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ न्यूक्लियस और जो आपका इंटेग्यूमेंट्स है इनके द्वारा भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, और एज रिजल्ट क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है एक एम्ब्रियो सेट के अंदर, एक ही ओव्यूल के अंदर, और यही कहलाती है पॉली एम्ब्रियोनी। और ये जो पॉली एडवेंटिव इम्ब्रियोनिक है, जो इसको आ गया पॉली इम्ब्रियोनिक है, ठीक है। तो उसको क्या है फर्दर, ये तीन टाइप की होती है बेटा,
एक होती है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, एक होती है आपकी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, एक होती है आपकी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो सिंपल में क्या है, एक से ज्यादा क्या है एग होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाते से वो से होती है सिंपल आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, जब ऐसा क्या बोल सकते हैं, एक से ज्यादा एग क्या बोल सकते हैं बेटा, जब एक ही जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कई सारे क्या हो एग, एक ओव्यूल के अंदर क्या है कई सारे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, एक से ज्यादा एग तभी पॉसिबल है जब क्या है उस ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा क्या एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो, उसी केस में क्या होगा आपका पॉली एम्ब्रियोनी आपको देखने को मिलेगी, वो कहलाते हैं सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है बेटा, जो खासकर में ग्रासिस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, ग्रासिस के अंदर देखने को मिलता है, जो प्रो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो प्रो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर क्लीवेज हो जाती है, वो डिवाइड कर जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो एम्ब्रियो क्या करता है डिवाइड कर जाता है, वो हर एक पार्ट क्या करेगा, वो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण वहां पर क्या आपको काफी सारे एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेंगे एक सीड के अंदर, काफी सारे एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेंगे एक सीड के अंदर। तो ये कहलाती है आपकी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। कौन सा कहलाती है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे इसके अंदर क्या निकोटीन या रस्टिका मैं लेके थोड़ा, यहाँ पर क्लीवेज वाला जो मैंने जो गोल दायरा बना रखा है इसके एग्जाम्पल के आपके निकोटीनिया, इसके एग्जाम्पल लेके थोड़ा निकोटीनिया, निकोटीनिया रस्टिका, निकोटीनिया रस्टिका, और हमारे पास कौन सा है यूगेना, निकोटीनिया रस्टिका एंड यूगेना, इनके अंदर हमें क्या है क्या नजर आती है बेटा, हमें क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो में देखने को मिलती है। अब हम एडवेंटिव की बात करें, एडवेंटिव में क्या होता है, सेम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले वाले कंडीशन में कि जो न्यूसलेस है या फिर इंटेग्यूमेंट है, इनके द्वारा क्या होगा आपका बेटा मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो यही कहलाती है आपकी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लियर है, ये हमें सिट्रस और ओपुंचे के अंदर हमें देखने को मिलता है, अगर एग्जाम्पल हम लिखे हुए यहाँ पर सिट्रस एंड ओपुंचे के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आप फिगर देख सकते हो कि यहाँ पे एडवेंटिव टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो एक एग है, एग के द्वारा भी क्या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नॉर्मल है, मगर यहाँ आप देख सकते हो कि ये न्यूसेलर जो वाला पार्ट है, ठीक है, न्यूसेलस वाला जो पार्ट है, इनके अंदर भी क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इनके अंदर भी क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है आपकी, वो कहलाती है आपकी एडवेंटी पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एडवेंटी पॉलीएम्ब्रियोनी को दर्शा रहा है आपको, ठीक है, जो कि हमें सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है और ओपुंचे के अंदर हमें क्या है देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ में आ गया, फिगर आपको देख सकते हो भाई कई सारे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, ये कहलाती है आपकी एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, कि इंपॉर्टेंस क्या है भाई पॉली, अगर बात करें एम्फी मिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है, हाइब्रिड वैरायटीज प्रोवाइड हायर एंड बेटर यील्ड इससे, ठीक है, दे आर देयर फॉर प्रिफर्ड, ए नंबर ऑफ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर बींग रेज बाई यूजिंग हाइब्रिड सीड्स, हाउएवर देर इज वन मेजर ड्रॉबैक, क्या होता है हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बिकॉज सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट्स इफ सोवन सब्सिक्वेंटली डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है इससे हमें क्या मिलता है एम्फी मिक्स द्वारा हाइब्रिड वेराइटीज का हमें मिलती है, और हाइब्रिड वेराइटीज के कारण हमें क्या है हाइयर और बेटर यील्ड हमें क्या मिलती है अपनी फ्रूट्स के, दे सकते हो आप या क्रॉप्स के दे सकते हो। ठीक है, तो उसकी एक ड्रॉबैक यही रहा कि तुम्हें हर साल हमें क्या ये चीज़ हमें करानी पड़ती है, क्यों करानी पड़ती है, क्योंकि जो ट्रेड्स होते हैं इनके हाइब्रिड वेराइटीज के अंदर वो हर साल क्या है आपके चेंज हो जाते हैं, आपके आपके क्या है खत्म होते चले जाते हैं, कहना आपके मेंटेन नहीं कर पाते सीड आपके, वो हमेशा क्या चेंज होते चले जाते हैं, इसीलिए हमें हर साल क्या मिनको क्या ग्रो हमें क्या हाइब्रिड वेराइटी को बढ़ाने में करनी पड़ती है हमें। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंस ये और है कि जो पेरेंटल जो करेक्टर्स होते हैं बेटा, ये भी क्या है हमें न्यू जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है पेरेंटल जो करेक्टर्स हमें क्या है न्यू जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और क्या, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड एवरी ईयर कॉस्टली, थस इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हर साल के हम हाइब्रिड सीड्स के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके कारण हमारे क्या जो क्रॉप प्रोडक्शन हमारा ये बढ़ जाता है, कॉस्ट जो है इनकी, ठीक है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इफ एपोमिक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन हाइब्रिड सीड्स। अगर हम हाइब्रिड सीड्स के अंदर एपोमिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और एपोमिक्स द्वारा सीड का फॉर्मेशन कर दिया जाए, तो इस चीज को हम क्या रोक सकते हैं, हर साल को दोबारा से हाइब्रिड सीड बनाने जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसको हम रोक सकते हैं। इससे हमारे जो जो कोर्स है क्रॉप प्रोडक्शन की हमारे वो घट सकती है, ठीक है। जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है, क्लियर है बेटा ये। और क्या है, एडवेंटी इम्ब्रियो द बेटर क्लोन्स एंड कटिंग्स। कटिंग्स के द्वारा जो अगर हम जो एम्ब्रियो फॉर्म डेवलप करते हैं उनसे ज्यादा बेटर होते हैं ये एडवेंटिव एम्ब्रियो। ऐसा क्यों होते हैं बेटर, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा बता रहा है इसके बारे में। ऐसा क्यों बेटर है, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, इसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है, किसी प्रकार की हमें कोई बीमारी हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो आपका जो न्यूट्रल्स वाला पार्ट होता है बेटा, ये आपका काफी रेजिस्टेंट होता है टू डिजीज। इसी के कारण क्या है, ये काफी बेटर है एज कम्पेयर टू द क्लोन्स फॉर्म थ्रू विद द हेल्प ऑफ कटिंग्स, क्लियर है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस। तो आज हमारा चैप्टर बेटा, हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहिए मैं अगर मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। और लास्ट चलते चलते बेटा एक बात और, अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।